तो बाबा साहब का बोलबाला कैसे बना और बाद में कांग्रेस और गांधी और सारे भारत के लोग बाबा साहब को कैसे डरने लगे। जैसे मार्च 1936 में बाबा साहब ने महाड़ का सत्याग्रह और मनुस्मृति जलाने की केस जो जीती, उसका परिणाम यह हुआ कि 1936 में जलगांव महाराष्ट्र में कांग्रेस का एक ग्रामीण क्षेत्र में अधिवेशन लगा था। वहां पर एक ये आया, ठराव आया, वहां पे रेजुलेशन आया कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे जाति के खिलाफ या हमारे धर्म के खिलाफ बिगुल बजा है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ हमने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। तो कांग्रेस के अधिवेशन में 1936 के बहुत चर्चा चली। ये बात वल्लभ भाई पटेल के चरित्र से आती है। तो बाद में बहुत लोगों ने डिस्कशन किया कि हाँ हमारा धर्म ये डुबा देगा डॉक्टर अंबेडकर, तो इनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया जाए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को आप ऐसे वैसे ना समझो, वो बैरिस्टर है और वो इतने बुद्धिजीवी है कि उन्होंने बढ़िया योजना बनाकर ये महाड़ का सत्याग्रह किया है, क्योंकि 4 अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजुलेशन पास किया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन की योजना बाबा साहब ने बनाई और प्लान बनाकर 1927 का 19 और 20 मार्च का गए तो तुम महाड़ के सीटी लेने, तालाब का लेके क्या आंदोलन आना। उन्होंने किया था। बाद में जाके 25 दिसंबर 1927 में जो मनुस्मृति जला गई, ये दोनों के केस के रिजल्ट जब 36 में आए, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करना हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो बोले क्यों? क्योंकि बाबा साहब खुद बैरिस्टर है और ये शुक्रिया मानो कि बाबा साहब ने सिर्फ मनुस्मृति ही जलाई है, अगर हमने उनके खिलाफ केस अगर लगा दी तो कोर्ट में वो बैरिस्टर होने की वजह से कोर्ट में ऐसा आर्गुमेंट कर सकते हैं कि मिलॉर्ड आपने मनुस्मृति मैंने जो जलाई थी उसके मेरे साइड में निर्णय दिया है, अब मैं कहूंगा कि वेद उपनिषद और सारे जो इनके पुराण है इनको जलाने की परमिशन भी आप कोर्ट की तरफ से दोगे तो क्या करोगे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ये इंटेलेक्चुअल जाए, इनके खिलाफ ऐसा लड़ना बेकार की बात है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के पीछे मत लगो। ये रेजुलेशन कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका मतलब कि बाबा साहब ने लोगों को जो इकट्ठा किया था और अपना इंटेलेक्चुअल लोहा जो लिया था कांग्रेस और गांधी और सवर्णों के और ब्राह्मणों के खिलाफ, तो बाबा साहब की जीत इसलिए होती थी क्योंकि वो खुद बुद्धिजीवी थे, वो इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने कड़वे संघर्ष करने वाले अपने कार्यकर्ता भी तैयार किए थे। यही बात हमको वी द पीपल में भी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल भी पढ़ाई करें, इंटेलेक्चुअल बात भी करें और उसको जीवन में की कोशिश करें। को सभी होगा, इकट्ठा आना होगा। अगर हम इकट्ठा आएंगे, संगठित रहेंगे, तो ही हम जीतने वाले हैं। नेता दोनों तरीके से, दोनों तरफा हम लोग पीछे रहे हैं और धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि।
Sadhu.